चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इन दिनों सुर्खियों में हैं। इस बार उनकी चर्चा ताइवान और हांगकांग या फिर भारत के साथ किसी विवाद को लेकर नहीं है, बल्कि चीनी राष्ट्रपति अपनी सेहत को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी सेहत को लेकर कई तरह की अफवाहें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 600 दिनों से एक भी विदेश दौरा नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सक्रिय रहने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पिछले 600 दिनों से एक भी विदेश दौरा नहीं हुआ है। आपको बताएं तो जिनपिंग इसके पहले 18 जनवरी 2020 को म्यांमार के दौरे पर गए थे। इसके बाद वो किसी भी देश के दौरे पर नहीं गए। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से चीन के राष्ट्रपति फोन पर ही अधिक वार्ता कर रहे हैं। इस अवधि में उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल समेत 60 राष्ट्राध्यक्षों से टेलीफोन पर वार्ता की है। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी सेहत ठीक नहीं होने के कारण वो विदेश दौरा नहीं कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वहां कोई चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। कम्युनिस्ट शासन में राष्ट्रपति जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। इसके साथ ही कम्युनिस्ट शासन में कोई विपक्ष नहीं होता जो सरकार से ये सवाल जवाब कर सके। शी जिनपिंग ने 600 दिनों से कोई भी दौरा नहीं किया है, लेकिन चीन में उनसे इसको लेकर सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।